और राजेश अगर गिरोगे ना तो मुंह के बल गिरना। अच्छा मैं क्या, बिल्कुल तेरे को साथ लेके गिरूंगा। मेरे को क्यों लेके गिरना, खुद मरना तो तेरे को साथ लेके। अरे खुद मर तू, ये डूबने वाला पानी है। चुल्लू भर पानी काफी है नाक में डुबोने के लिए। चल भाई इकट्ठे। इकट्ठे क्यों, ये बात तो ऐसे करता है जैसे दोनों दोस्त एक हकते हो। मांगे हुए बुलेट का अगर सही तरीके से यूज नहीं ना आता तो ये एक कंडीशन होती है। जो राजेश का बुलेट था ना, वो राइट साइड पे उसके ब्रेक है, लेफ्ट साइड पे गियर है, पर इसके लेफ्ट साइड पे ब्रेक अब बड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक्चुअली में हमने पुल ओवर इसलिए किया क्योंकि गियर डाला था, ब्रेक लग गई। What's up people, welcome back with another video vlog of VeeStyle vlog। और आज के दिन मैं और साथ में राजेश, हम दोनों जा रहे हैं गाँव की सैर करने के लिए। पंजाब में कपूरथला के पास कहीं एक छोटा सा गांव है, पत्तर कला गांव, और वहीं पे हम निकल पड़े हैं। ये बुलेट है हमारे किसी चाहने वाले का, मतलब राजेश के चाहने वाले का, किसी फ्रेंड का, तो हम उसका बुलेट ले तो आए, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरे साथ पीछे बैकग्राउंड में आपने देख ही लिया होगा, पूरे खेत खलिहान और बड़ा ही जबरदस्त व्यू, मौसम भी अच्छा है। तो आज आपको मैं पूरे पंजाब की तरफ से किसी एक गाँव से मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। साथ में मेरा साथ देगा राजेश, साथ में मिलके हम दोनों धमाल करने वाले हैं। पूरे गांव को पता चल जाएगा कि दो लोंडे आए हैं शहर से धमाल करने के लिए। ड्रोन देख के सारे के सारे आ गए थे, अभी मैंने कैमरा ऑन किया कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सारे भाग रहे हैं। कहाँ से आए हो? यूपी से। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खेती बाड़ी? कितने साल हो गए? एक महीना। और बीवी बच्चे पीछे? घर। ये जितने भी दर्शक देख रहे हो, ये सारे के सारे दर्शक ड्रोन का उत्सव मना रहे थे मेरे साथ मिलके, और ऐसे हैरानी से ना आंखें फाड़ के देख रहे थे। तो राजेश का एक फ्रेंड है दलजिंदर, हम उसको मिलने जा रहे हैं और उसका घर यहीं गांव में है, तो होप सो हमें मिल जाए, क्योंकि राजेश को भी श्योर नहीं है कि वो एग्जैक्टली घर है कहां पे, तो फ़ोन करके हम उसको पूछेंगे। लेकिन जितना उसने हालांकि हमें बताया था कि ये कहीं आसपास गुरुद्वारे के है। हमारे पंजाब में ऐसे ऐसे घर होते हैं जिनकी टैंकियों के ऊपर शेर बना है, जहाज बना हुआ है, घोड़ा, कुछ भी बना देते हैं। यहाँ पे कई ऐसे हमें घर मिल जाएंगे जहाँ पे कुछ ऐसा टैंकियों के ऊपर। तो जो राजेश का फ्रेंड है दलजिंदर, उसका भी फोटो स्टूडियो है यही आसपास में होना चाहिए कहीं पे, आई थिंक वही वाला है ना, दलजिंदर जनरल स्टोर कॉस्मेटिक डिजिटल। मिल गया। तो दलजिंदर का यार मिल तो गया स्टूडियो, लेकिन दलजिंदर को फोन करना पड़ेगा, और स्टूडियो में आपको दिखा देता हूँ पीछे ही। ये दलजिंदर स्टूडियो, और राजेश के साथ काफी कमिटमेंट भी होती है, काम भी एक दूसरे के आते हैं, और चीजों में जब भी कोई फंक्शन होता है तो साथ में शूट भी करते हैं, तो बहुत खासम खास दोस्त है। फोन करो, फोन करो, हाँ फोन करो। और क्या, हेलो। हाँ जी भाजी, की हाल चाल ने? वाह वधिया, ठीक ठाक। कित्थे हो? मैं अपने पिंड आए थे। हाँ मतलब माहौल चाल पूरा गर्म है। चलो ठीक है, दसो किधर नू आना, आप रस्ता दसो माड़ा जहाँ, आप पहुंच गए तुहाडे कोल। ठीक है ठीक है जी, आप चलो पहुंचते हैं, तुम उत्थे आके फोन करते हैं, ठीक है, जे नहीं पता लगा दे। चलो ठीक है भाजी, ओके। सोने पे सुहागा हो गया यार। दलजिंदर को हम ढूंढ रहे थे, वो स्टूडियो में नहीं था ना घर पे नहीं था, तो उसने बोला कि मेरा जो उनका खेत है ना, तो वहाँ पे है दलजिंदर, और दलजिंदर के पास जाने के लिए हमें वापस फिर से मेन रोड पे जाएंगे, और वहाँ पे फिर उसने बताया कि राइट साइड पे कच्चा रास्ता है और सीधा खेतों की तरफ एक ही रास्ता है, और सीधे जाते हैं हम ही, घुस जाते हैं। मेरे हिसाब से एक चक्कर लगा लें, गाँव में तो आए हैं लेकिन बाद में वो खेतों वाला सीन तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ चलो तेरे को गाँव दिखाते हैं पूरा। अरे करो 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 करो। गाँव में अगर आप आते हो ना, जिसको हम पंजाबी में पिंड कहते हैं, और वो पिंड में हर जगह पे एक बीचों बीच ना एक बोर्ड का पेड़ लगा होता है, और उसके साथ में जितने भी गांव के बुजुर्ग होते हैं ना, उसको पंजाबी में सत बोलते हैं, तो वो बैठे होते हैं शाम के टाइम पे, बातें बातें करते हैं। तो मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हूँ, और जो पेड़ मेरे पीछे देख रहे हो ये वही है जहाँ के आसपास में मूवीज में भी दिखाते हैं कि वो बैठे होते हैं साथ में, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं सारे, और टाइम पास होता है इनका ऐसे ही गांव में। बाबा की खेलते पे हो, ताश की खेडन दे हो पाबो? तो बाबा ये शाम नू रोज इतने बैठ के फिर खेड खूड हुंदी है, क्या बात है। तो इदा ही फिर शाम का टाइम, शहरों में चो गल नहीं हैगी जी इतने पिंडा।
शहरों में जब भी हमारे पास टाइम होता है या कोई चीज़ की एंटरटेनमेंट, हम इजीली रिमोट उठाते हैं, टीवी लगा लेते हैं, लेकिन गांव में जो लोग होते हैं ना, वो इंट्रैक्शन करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। हम जैसे लोग इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए ना कि कमरे में बैठ के अपने मॉम डैड को हेलो हाय कह रहे होते हैं, लेकिन तो ये होता है गाँव का सही में प्यार, सही में रिश्ता। साथ में हमारे देखो कि जो शहरों में इतना पोल्यूशन है, इतना बुरा हाल है, और यहाँ पे देखो नेचुरल एयर, ठंडी हवा, और ये आम बात है खेतों में आपको ट्रैक्टर दिखते दिखते हैं, लेकिन आजकल गांव भी कोई छोटे गांव नहीं रह गए हैं। बहुत स्मार्टनेस आ गई है, यहां तक कि मेरे पीछे जो अभी आप देखने वाले हो ये कंबाइन है, बहुत महंगी कंबाइन होती है, और गांव में ये आम मिल जाती है लोगों पे रास्तों में, क्योंकि खेतीबाड़ी के काम में ये सबसे ईजीएस्ट वे है खेती को काटने के लिए। तो मेरे हिसाब से निकले यार फिर, अभी टाइम भी हो रहा है, जिंदर भी वेट कर रहा है और साथ में एंजॉय करते हैं। चलो जी नजारे लेते हैं। लग रहा है कि हाउस में ही है वो रहे पाजी, पाजी भी मिल गए जी, पूरे टाइम पे आ गए हैं। ਸਸਿਕਾਲ ਕਿਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜੀਏ। ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ, ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ? ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਾਮਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ? ਜਾਮਣਾ ਇਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਪਰ। ट्रैक्टर मैं पंजाबी मीडियम में हो गया हूँ, हिंदी में होना चाहिए मुझे लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो ये पाजी का ये खेत है सारा, तो नीचे जामुन गिरे पड़े हैं, जामुन का वृक्ष बहुत ही बड़ा यार, शानदार, ठंडी हवा और साथ में ये ट्रैक्टर, क्या बात यार, मुझे आता तो नहीं है, दिल तो करता है चलाने को। पाजी आप प्लीज हमें एस्कॉर्ट करोगे, कुछ दिखाओगे खेत में क्या होता है स्पेशल? चलो जी पाजी हमें एस्कॉर्ट करवाएंगे। गाय देखते हैं सबसे पहले, गाय के उपले भी है जिसको हम पंजाबी में पाथियां कहते हैं, पाथियां। और जी आज विनय बनाने की कोशिश करेगा। हाँ बना के फिर खिलानी भी है ना मुझे, राजेश को खाएगा, राजेश मेरा भाई है। उस तरह में आम का पेड़ है यार, लाइफ तो मुझे विलेज वाली लाइफ शुरू से बहुत पसंद है। तो पाजी के जो चाची जी हैं वो दूध निकाले हैं गाय का, फ्रेश दूध। मैंने उनसे बोला था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जो गाय है वो इतनी फेमिलियर नहीं होगी, तो मुश्किल होगी अगर मैं करूँगा, माइट भी मुझे किक भी कर सकती है। गांव की जो लाइफ है कि फ्रेश दूध आप पीते हो अपने गाय का, कोई मिलावट नहीं होती, जैसे कि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन देते हैं दूध को बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा डर रहा हूँ, अरे ध्यान से मुझसे डर रहे हैं यार, मैं तो खुद डर रहा हूँ इनसे। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि दूध की डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम, इसलिए फिर वो जो प्लास्टिक का मिल्क और कई कुछ ऐसी चीजें मिलावट के वाली दूध में हमें मिल रही हैं, तो वो है तो गलत, लेकिन जो नेचुरल है ये बेसिकली आपको गाँव के एनवायरमेंट में ही मिलता है। तो अभी हमें पाजी दिखाने जा रहे हैं कि गाय के जो खाने के लिए खाद होती है, पंजाबी में हम उसको पट्ठे बोलते हैं। पाजी गांव की खुराक है जो काम आ रही है, हमारे जैसे बंदा तो दो मिनट में थक जाए। राजेश ट्राई करने जा रहा है पट्ठे कैसे कुतरते हैं, हालांकि मोटर से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं फिजिकली काम करना है, क्योंकि यही जो निशानी होती है ना गांव के लोगों की, जो वो काम करना फिजिकली करना है, तो बस ये बंदा ट्राई करेगा अभी। वाह रे वाह, आज सही बात बनी है। मैंने कितना फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे सोने की जो रिंग है इसके साथ घिस रही है। चलो थोड़ा सा सोना कम हो जाएगा, क्या जा रहा है तेरा? पाजी और पट्ठे डाले जा रहे बात करो थकना चाहे।
अपने विनय को सांस चढ़ गई है पूरी। ये बाहर की खुराक है, ये फॉरेन की खुराक है, जो बुरा हाल हो गया इसका। इंडिया की खुराक के साथ ऐसा कभी ना होता। ओए बस वे भाजी, प्यास लगी बहुत ज्यादा। तो मेरे बैक साइड पे जो गायें अभी अपना चारा खा रही हैं, गायें भी हैं और इसको मज भी कहते हैं पंजाबी में, लेकिन हाँ, लेकिन इसको क्या कहते हैं फिर हिंदी में? मज। मज है, गाय है, जो भी है, अभी अपना चारा खा रहे हैं। तो इस चीज को जो जिसमें वो डालते हैं, इसको खुरली कहते हैं, और आई थिंक इसको मैं पसंद नहीं हूँ। डराना नहीं भाई, आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना ही भूल गया हूँ। जो कुछ मैं रिकॉर्ड करता हूँ दो दो बार कर रहा हूँ, और मैं स्टूपिड बन रहा हूँ दोनों के सामने में, पाजी के सामने भी, और रजेश तो मुझे ऑलरेडी स्टूपिड का अवार्ड दे चुका है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सिटियों में अगर आप किसी के घर पे जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, और गाँव में वान वाले मंजे के ऊपर बैठ के ठंडा लेमोनेड पीने का मजा ही अलग है। तो चेयर्स आप सभी के साथ। चेयर्स भाई, चेयर्स आपको भी। और ये जो पानी है ना, ट्यूबवेल का पानी है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये पानी हमने कहाँ से लिया। बिल्कुल बगल में वहाँ पे पाजी ने बताया कि वहाँ पे ट्यूबवेल है, और अभी उसका स्टेटस रनिंग है, तो वहाँ पे जाके भी हम देखते हैं। तो पाजी कह रहे थे कि पहले तो उनके पास कम गायें थी, और अभी उन्होंने गायें भी उनके पास ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे कि एक्सेसिव जो दूध है ना, तो वो लोगों को बेच भी देते हैं कि चलो फ्रेश दूध है, और जो आसपास में गाँव में होते ना घर होते हैं जो नेबर्स के, तो उनको भी सेल कर देते हैं। तो एक इनकम का सोर्स भी है, और ऊपर से जो प्यार भी रहता है, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि जो पंजाब में गांव में जो सत बनी होती है, तो जहाँ पे लोग सारे बुजुर्ग बैठते हैं, वो ज्यादा माहौल जो होता है ना प्यार का, वो ज्यादा और भी ज्यादा ना मीठा हो जाता है उस चीज में। पाजी मुझे भी डालो थोड़ा। दो बना लो छोटा छोटा। दो बन जाएंगे। हाँ, छोटा छोटा बना लो। बैठ जाओ भाई, आज मैं सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। तो ये गोबर है गाय का, और गांव में जो ईंधन की जो सुविधा इतनी नहीं होती, तो क्या करते हैं कि ये तो इसकी वो पाथियां बना लेते हैं, जिसको हिंदी में उपले भी कहते हैं। तो मुझे बनाने पड़ेंगे आज। भाई केक कैसे काटूं? हाफ 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 हाफ। और ये रजेश को खिलाना मुझे। ये हम दोनों भाई भाई आधा आधा खाएंगे। पहले विनय टेस्ट, पहले विनय टेस्ट करके बताएगा कैसा बना है। ऐसे रहा तो। हां जी, रहा तो कोई ठीक है। ये तो तंदूर वाला काम है। ओह क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया। आ जा एक, तू ही बना रहा थे। और चाहिए और मिल जाएगा। विनय बहुत है क्वांटिटी यहाँ पे, तू बता तेरे को कितनी चाहिए। मुझे उतनी चाहिए जितने में तुम खा सको। हम दोनों भाई खाएंगे यार। अरे पाजी, पाजी आप लो जी, ताजा ताजा और आया है डायरेक्ट काउ से। डायरेक्ट वाला फिर तुम उठाना। क्या बात है विनय, मेहंदी लग गई मेरे हाथों को। अब जल्दी इसकी शादी हो जाएगी, हाथ पीले हो गए आज इसके। पीले भी हरे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जनरेशन है जो हाथ पीले नहीं हरे करती है। तो पाजी हमें एक्सप्लेन करेंगे कि गांव के खेतों में जो चीजें मशीनें जो ट्रैक्टर के पास रखती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो पाजी इसको क्या कहते हैं? इसको डक्सा कहते हैं, जिदा घास ज्यादा होता मान लो इन्हें ब्रीक करने के लिए। ठीक है। हाँ जी, इन्हें डक्सा कहते हैं। तो ये घास को छोटा करने के लिए काम करते हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, और बस उसको ट्रैक्टर को जैसे नॉर्मली ड्राइव करते हैं, तो बस वैसे ड्राइव करना है और साथ में हो जाता है। तो पाजी वो क्या चीज है? वो तरफाली कह देंगे गढ़ाई वास्ते। तरफाली कहते हैं। ठीक है। कख हो जाता बीच में। ठीक है। वो फिर गब्बे गब्बे फेर देना, तरफाली कहते। तो ये क्या है पाजी? ये दोनों चीजें दो काम साथ में कर लेते। दो काम साथ में, एक तरफ से वो खुद जा रहा है, दूसरी तरफ से वो पार्टीशन हो जाता है। जो हमने लेमोनेड पिया था, जो पानी फ्रेश हमने उसका टेस्ट किया था ना, तो वो जिस ट्यूबवेल से आ रहा है, तो हम उस ट्यूबवेल की ओर जा रहे हैं। छोटा सा कच्चा सा रास्ता है, साथ में ये पानी का छोटा सा नाला बना हुआ है, और बड़े ही संभल संभल के जा रहा हूँ कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मिट्टी थोड़ी नरम भी है। और रजेश अगर गिरोगे ना तो मुँह के बल गिरना। अच्छा मैं क्या, बिल्कुल तेरे को साथ लेके गिरूंगा। मेरे को क्यों लेके गिरना, खुद मरना। तेरे को साथ लेके। अरे खुद मर तू, ये डूबने वाला पानी है। चुल्लू पर पानी काफी है नाक में डुबोने के लिए। चल भाई कट्ठे। कट्ठे क्यों? ये बात तो ऐसे करता है जैसे दोनों दोस्त एक हकते हो। तो ये ट्यूबवेल आ गया। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा औसम है। तो ये ट्यूबवेल जिसका पानी हमने पिया,
मजा आ गया गर्मी के टाइम पे। कपड़े नहीं है, नहीं तो मैं चला जाता छलांग लगा के अंदर। राजेश हाथ लाई जरा, चला भी नहीं तेरे को, दिखाऊं यहाँ पे आज मुर्गा बनाने की तैयारी हो रही है। ये है यहाँ पे लकड़े डाल के और यहाँ पे हम मुर्गा रेडी करेंगे। और यहाँ पे बैठ के खाना है? यहाँ पे बैठ के खाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लटक के खाऊंगा। आप लटक के खाओ। तो ये छोटा सा मिट्टी का बना रखा है चूल्हा, अगर कुकिंग शुकिंग करनी है। पाजी क्या कहते हो, करें फिर इसमें कुकिंग के बाहर से ऑर्डर करें? यहाँ पे कुकिंग करते हैं, बाहर से क्यों मंगाना है? चलो ठीक है, फिर पास आया अगर सोर्स तो हम यहीं पे बनाएंगे। तो फिर ऐसे है कि बर्तन ले आते हैं और फिर चिकन विकन लहसुन तड़का सब पे लगाते हैं फिर यहीं पे। पाजी ये काम आपने सही किया, सारा सामान लेके रखा हुआ है। कड़छी भी है साथ में, बड़ा पॉट भी है और हमारा कुत्ता भी है, ये कम से कम हड्डियां तो खाएगा। ओए ना चुचू, से हेलो। ओए चूहे क्या आंड है, की बनाए थे हाउस नंबर वगैरह या कुछ है? पाजी की बेटी जब भी इधर उधर जाती ना, ये छुटकू हमेशा तंग करता उसको। तो पाजी ने इस बार उसको ना कान से पकड़ लिया, उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया कि तुम जाओ और मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। ये भाई पालिया था कि उदा ही है? पाजी कह रहे मैंने कहा पाला हुआ है कि वैसे ही है, कह रहे मैं तो पहली बार मिला हूँ और पहली बार में देखो प्यार इतना कि कुछ कह भी नहीं रहा। प्यार करेंगे प्यार मिलूंगा ना। तो दोस्तों ये था पूरा गांव का सीन, पंजाब के एक पिंड जिसको हम हिंदी में गांव बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा डे बाय डे। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग फिनिश करता हूं क्योंकि अभी इवनिंग हो चुकी है और हमने खाना वाना खा लिया और अभी हम घर को निकल रहे हैं। तो इसी के साथ फिर मैं मिलूंगा जल्दी ही आपको, तब तक के लिए। Oh, oh, oh.